बात तो सारी यही है कि तुम आत्म निश्चय में आओ। शास्त्रों में रोचक वचन भी है और कई बार हम रोचक वचन पकड़ के उस भाव से भक्ति करने लगते हैं। आज अगर द्रौपदी की बातें सबने सुनी तो सबको लगा मुश्किल में भगवान को पुकारना ही भक्ति है। द्रौपदी का वास्ता दे दो, भगवान को एग्जाम्पल दे दो कि द्रौपदी के लिए तुम आए, इसके लिए तुम आए। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में इन सब चीज़ों का स्थान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान एक ही बात कहता है, तुम अपने निश्चय में आ जाओ। ये सब पुकारना अज्ञान है। दादाजी का बार बार एक वचन आता है, बुक्स एंड प्रेयर्स आर यूजलेस। और हम आज तक संसार में भक्ति मार्ग को समझते ही यही आए कि शास्त्र पढ़ लें और प्रार्थनाएं कर लें। सबका दिमाग इसी तरफ चलता है। अभी आजकल भी जैसे समझो बीमारी फैली है, अब सबके दिमाग में प्रार्थनाएं चलती हैं। जबकि गुरु ने बताया है, बाहर तूफान आए संत की तरह भीतर चले जाओ, भागो लेकिन बाहर मत भागो, अंदर भागो। ज्ञान का निश्चय परिपक्व रखो, काम एंड क्वाइट बने रहो, पॉजिटिव बने रहो। अब प्रार्थना भी तो डर से है ना। जो लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं डर की वजह से प्रार्थना कर रहे हैं और शरीर को बचाना चाहते हैं, यानी जीने की इच्छा भी हो गई। अब ये सारा ही तो अज्ञान का खेल है। अगर शरीर को जाना है तो ज़रूरी नहीं इस बीमारी से ही जाएगा, सारे कोविड से तो नहीं मर रहे हैं और वजह से भी जा रहे हैं। जब समय है शरीर का तो जाएगा। हम उस निश्चय को पक्का करने में नहीं लगते जो हमारा रक्षक हो सकता है। आत्मनिश्चय रक्षक हो सकता है। हमारे अंदर से बीमारी का, मृत्यु का भय चला जाए, उस पुरुषार्थ में ना लग के। सब लोग किस पुरुषार्थ में लगते हैं? प्रार्थनाओं का सहारा लेते हैं, बाहरी कर्मों का सहारा लेते हैं। अब मान लो हमने बाहर से कोई कर्म नहीं किया, अभी जैसे हरिद्वार में कुंभ भी है, अब संतों को वहम है हमने अगर कुंभ स्नान नहीं किया तो अनिष्ट हो जाएगा, जबकि अपने कर्म से हम अनिष्ट पैदा कर रहे हैं। ईश्वर ने बुद्धि भी तो दी है कि सावधानी रख के जिन दुर्घटनाओं को बचाया जा सकता है बचा लें। कुंभ स्नान खाली जल में थोड़े ही है। जिसने शरीर रूपी कुंभ तोड़ा उसने कुंभ स्नान कर लिया। अब आत्मज्ञान का नज़रिया ही फ़र्क है, संसारिक लोगों का नज़रिया बहुत फ़र्क है। तभी दादाजी ने अभी बोली बात कि सन्यासी को प्रारब्ध पर विश्वास चाहे ना हो, मधुकरी मांगेगा, कल की सोचेगा, शाम की सोचेगा। ज्ञानी जानता है शरीर का निर्वाह प्रारब्ध पर है, सो उसने चिंता छोड़ दी, प्रार्थनाएं छोड़ दी। अब जब तक ईश्वर को अलग माना या हमने बाहरी कर्मों में ही भक्ति मानी, तब तक हम बल्कि मुश्किलें खरीदी तो कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स इंक्रीज कर रहे हैं। द्रौपदी के एग्जाम्पल से दादाजी ने इतना समझाया कि जब घट घट वासी है तो तेरे ही घट में पहले बैठा हुआ है, बजाय उसको बाहर से। वर्ड्स कितने प्यारे बोले कि वो दूसरे मुल्क से भगवान को मंगवाना चाहती थी, लेकिन जब तक उसने ये नहीं कहा कि तुम घट घट वासी हो, देर क्यों कर रहे हो,
तो भगवान ने बोला तूने ये माना ही नहीं कि मैं घटघटवासी हूँ, तो मैं तो तेरी साड़ी से भी प्रकट हो जाता, मैं तो तेरे घट से भी प्रकट हो जाता। अब अंतर देखो दो चीज़ों में, कि सब लोग अलग मान के, बाहर मान के और शरीर में सतबुद्धि रख के प्रार्थनाओं का आश्रय ले रहे हैं। सबकी प्रॉब्लम यही है, शरीर में सत्भाव है, ये नहीं समझते दुख सुख प्रारब्ध अधीन है, काल अधीन है, स्वभाव अधीन है, कितने प्रकार बता दिए दुख सुख के। अब अगर बात समझ में आ जाए, अब भगवान राम का समय प्रतिकूल आया तो वनवास भी हो गया राजतिलक की जगह, समय अनुकूल आया पत्थर भी पानी में तैर गए, तो दुख सुख काल अधीन हो गए, समय के अधीन है, शरीर की प्रारब्ध के अधीन है, कहीं फिर अपने कर्म के भी अधीन है, हम कर्म कैसा कर रहे हैं। अगर ये विचार पक्का हो जाए तो हमारा ये जो प्रार्थनाओं का सिलसिला है, विकल्प और भय का सिलसिला है, ये ख़त्म हो सकता है ना? ये सब सिलसिले चले कहाँ से हैं? इंसान के विकल्पों ने डर पैदा किया, डर को दूर करने के लिए उसने भगवान जैसी एक शक्ति को मानना शुरू किया, और उस शक्ति को माना इस तरह से कि बस उसका आश्रय लेके वो अपने डर को ख़त्म कर पाए या अपना अनिष्ट होने से बचा पाए। बुरा नहीं था। आज देखो किसी के पास मृत्यु का भय है, समझो परीक्षित जैसे के पास मृत्यु का भय है। शुकदेव मुनि मिले, परीक्षित आया तो अपना भय दूर करने है मृत्यु का, लेकिन तत्व बोध प्राप्त होने से मृत्यु का भय कैसे चला गया कि मैं अमर आत्मा हूँ, ये चांडाल की झोपड़ी है, ये तो खाली करनी है, मृत्यु का भय इस तरह से गया। लेकिन संसार में कोई भी मृत्यु का भय मिटाने के लिए अध्यात्म का ऐसा आश्रय नहीं लेता है। वो सोचते हैं हम गीता पढ़ दें, भागवत पढ़ दें, गजेंद्र मोक्ष की कथा, किसी के घर में कोई ज़्यादा बीमार हो, ब्राह्मण लोग कहते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ो। गजेंद्र मोक्ष की कथा क्या है? भगवान ने गजेंद्र की रक्षा कर ली और मगरमच्छ को मार दिया। तो क्या गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ने से काल नहीं आएगा? फिर आज गजेंद्र कहाँ है? बात गलत समझे हम। गजेंद्र मोक्ष की कथा का मतलब तो ये है कि काल किसी भी रूप में आए, ईश्वर रक्षा किस रूप में करता है? निश्चय के रूप में। अब शरीर को तो जब काल ने खाना है खाना ही है, लेकिन मेरा निश्चय मुझे सेव कर सकता है, मेरा आत्म निश्चय मेरा कल्याण कर सकता है। आध्यात्म का आश्रय ऐसा लिया जाना चाहिए। जब कोई आश्रय दे शुकदेव जैसा दे, जब कोई आश्रय ले परीक्षित जैसा ले, उसमें तो कल्याण है। बाकी हम भक्ति को एक ऐसा आश्रय बना लें कि हम सोचें हमारे पास काल आएगा नहीं, हमारे पास शरीर के प्रारब्ध के कष्ट आएंगे नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। ये सब जो है दुख है तकलीफ है, ये शरीर का धर्म समझ के शरीर को भोगा देना चाहिए और खुद अपने निश्चय में पक्का रहना चाहिए। ज्ञान ये कहता है। अब परिस्थिति आए, हम उस समय पुकारें, गुरु कहता है नहीं पुकारो मत, ये खेल पहले से बना हुआ है। अब ये द्रौपदी का खेल भी पहले से बना हुआ है,
आप सोचो भगवान को रक्षा करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। खेल बना हुआ है ना। एक पिक्चर जो पहले रिलीज हो चुकी, उस पिक्चर में समझो हीरो को पहुंचना है और हीरोइन की रक्षा करनी है तो होती है, वरना हीरो लेट हो जाता है आने में। एक सांसारिक पिक्चर है। शरीर की पिक्चर भी बन चुकी, भगवान को जहाँ रक्षा करनी है शरीर की, किए ही बैठा है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। जहाँ जहाँ जो जो होना है, ये खेल सब बना हुआ है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं, ये तो बना बनाया है सब खेल, अब थोड़ी बनना है। हम इसमें विक्षेप पैदा करना चाहते हैं अपनी इच्छा के कारण। अब जो अष्टावक्र गीता में बोला, मनुष्य जीने की इच्छा से अनर्थ करता है। अब हम बाकी अनर्थ तो समझते हैं संसार वाले, पर बड़ा अनर्थ तो ये करते हैं कि जीने की इच्छा होती है, प्रार्थनाएं करते हैं, पुकारते हैं, शोर करते हैं, जबकि रजामंद हो जाना चाहिए कि जो खेल शरीर का बना हुआ है। राजप्पा, राजी होके रहना, ये धर्म है ना। पुकारना धर्म नहीं है, शोर करना धर्म नहीं है, भगवान को ऑर्डर देना धर्म नहीं है, क्योंकि फिर द्वैत आ गया। अब अगर आप भगवान को पुकारते हो, भगवान को बुलाते हो, मतलब आप उसको अपने से अलग ही तो जान रहे हो। जब आप अलग जान रहे हो तो फिर अद्वैत कहाँ हुआ? अलग जान रहे हो तो निश्चय कहाँ हुआ? फिर निश्चय वाली बात तो हुई नहीं। और जो उस दिन सत्संग चला, दादाजी की पॉइंट चली कि ये पिक्चर मैंने ही ऐसी बनाई है, एज इफ आई वॉन्टेड इट। अब दोनों बातों में कितना विरोध है देखो। ये बना हुआ है ना सब, बस ठीक है, ये पिक्चर मैंने ही ऐसी बनाई है, बात खत्म हो गई। और वैसे भी अनुभव करो, क्या प्रार्थनाएं करने से कुछ बदलता है? नहीं बदलता है। होनी हो कर रहे, अनहोनी नहीं होए, ए मार्ग संसार में नानक थिर नहीं कोए। होनी हो के रहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते हो। आप बदलना चाहते हो परिस्थितियों को, आप बदलना चाहते हो हुक्म को, आप बदलना चाहते हो इस खेल को, ये नहीं बदलेगा, ये एज इट इज रहेगा। एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाना चाहिए, और एक्सेप्टेंस पावर निश्चय से बढ़ता है। जितना शरीर से अपने को अलग करते जाते हो, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि मैं भोगता नहीं हूँ, मैं भोगाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं कराता हूँ। फिर जब देखने वाला हो गया तो इस खेल को बदलने की कोशिश वो क्यों करेगा? प्रार्थना वो क्यों करेगा? अब ये सब है तो शरीरों के कर्मों की गतियाँ। आज जो भी हमको देखने में आ रहा है, वर्ष से वर्ष देखने में आ रहा है, पर शरीर के कर्म का तो हिसाब है। करण मैल ना चेतें, भोगण मैल तो रोई, करते समय तो सोचा नहीं। अब जब कर्मों के हिसाब सामने आ रहे हैं तो इंसान शोर मचा रहे हैं, इंसान हलचल कर रहे हैं, इंसान पुकार रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। भगवान ने तो कब से गीता में बोल दिया, तेरे कर्मों का फल तेरे को देता हूँ,
अर्जुन मैं भी कुछ नहीं करता हूँ। अब अगर ये समझ आ जाए, ये शरीर अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करता है, तो अंदर शांति हो सकती है। चाहे हम दूसरे का भी देखते हैं, अभी न्यूज़ में दिखाते हैं, पिक्चर्स ऐसी आती हैं सामने, तो बड़ा हृदय कईयों का विचलित हो जाता है। लेकिन है तो कर्मों की खेतियाँ ना, और तो कुछ नहीं है। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। बीज बनेगा वृक्ष जबी रोएगा पछताएगा। अब कौन छुड़ाए? जो कर्म शरीर करके आया, शरीर से कर्म किए, मन से कर्म किए, वाणी से कर्म किए, जो जो कर्म शरीर द्वारा हुए हैं उनका हिसाब तो सामने आना ही आना है। अब तुम पिक्चर को पिक्चर करके देख सकते हो, अगर आत्मा की सत्यता को अनुभव करो। दादा भगवान को किसी ने बोला था, दादा मैं रास्ते से आया, एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा खून था, दिल खराब हो गया। दादा ने एक ही बात बोली, बोला दृश्य को दृष्टा होके क्यों नहीं देखा? अगर कोई सीनरी बनी रहती है ऐसी, उसको भी तो देखते हो। दृश्य को दृष्टा होकर देखो। दृश्य हवा का झोंका है। बोला तुम आत्मा की सत्यता को भूले, फिर तुम्हारा मन शरीर की बात में चला गया। पर ये है तो सब कर्म कहानी शरीर की। अब इस सब में प्रार्थना करना बेकार होगा। जैसे बच्चा इम्तिहान में लिख के आया, भारत की राजधानी हैदराबाद है, अब वो आके और बैठ गया भगवान के मंदिर में, अखंड जाप किया, एक इच्छा से भगवान एक दिन के लिए भारत की राजधानी दिल्ली बना दो। पहली बात तो असंभव है। मान लो उसकी प्रार्थना सुन के बना भी दिया जाए, पर जिस समय उसने पेपर लिखा उस वक्त राजधानी दिल्ली थी या हैदराबाद, माना तो वो जाएगा ना, ये तो नहीं माना जाएगा। समझो आज भारत की राजधानी दिल्ली है, हमने आज पेपर किया और हमने हैदराबाद लिख दिया। चलो कल मान लिया हैदराबाद हो भी जाए, नंबर कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकता ना, क्योंकि जिस समय पर लिखा गया प्रश्न पत्र या उत्तर, उस समय क्या हिसाब था, माना तो वो जाएगा। आज कोई पेपर देने जाता है, डॉलर की आज की कीमत क्या है, उससे इंडियन रुपीज़ की वैल्यू निकाल ले, इंडियन रुपीज़ में भाई एक डॉलर इतने का है, आज डॉलर 60 रुपये का है, मान लो कल डॉलर 70 रुपये का हो जाता है, तो कैलकुलेशन तो आज के रेट से की जाएगी ना। गोल्ड खरीदने जाते हैं, कैलकुलेशन तो आज के रेट से होगी ना। कल चाहे 1000 रुपये कम था, चाहे आने वाले कल में 2000 रुपये, फालतू है। आज का रेट क्या है, कैलकुलेशन उससे है। अब जब शरीर ने कर्म कमाया, उसके हिसाब से फल है। अगर हम चाहें चेंज हो जाए, प्रेयर करें, अब आज की प्रेयर कल वाले काम में थोड़ी आ जाएगी, कल वाले कर्म में। तभी बोला जैसे कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं अकाउंट्स में, यहाँ वो हिसाब नहीं। यहाँ सत्कर्म का फल अलग, बदकर्म का फल अलग। मनुष्य सोचता है बदकर्म करके फिर सत्कर्म कर दूंगा, फल खत्म हो जाएगा।
जैसे तुम पाप से पैसा कमाओ फिर दान कर दो उसका कुछ हिस्सा, अब जो तुमने पाप करके कमाया उसका फल अलग और जो तुमने दान किया उसका फल अलग। तभी दादाजी ने बीच का रास्ता बताया, कर्मातीत, सत और बद का त्यागी हो जाओ, अकर्ता भाव के निश्चय में आ जाओ, जो अकर्ता है वो कर्मातीत है। अब इस समय प्रार्थनाएं करने से कोई फायदा थोड़ी होने वाला है, जब तुम शरीर धारण करके आ गए, पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर, इसकी प्रारब्ध इसको मिल गई। गवर्नमेंट भी देखो एक नक्शा पास करती है मकान का, उसके बाद तुम्हें उसके अकॉर्डिंग बनाना है। जहाँ तुमने कुछ गलत किया, जब वो आते हैं चेकिंग के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए, वहाँ वहाँ से तोड़ जाते हैं वो, या पेनल्टी लगा देते हैं कि तुमने नक्शे के अकॉर्डिंग नहीं बनाया। अब शरीर का भी नक्शा बन चुका, प्रकृति उसे अकॉर्डिंग भेजती रहती है सब कुछ सामने। अब प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, इंसान क्या सोचता है उसकी प्रार्थना एक रिश्वत है भगवान के लिए। अनकॉन्शियस माइंड में देखो, जैसे आप पुलिस वाले को रिश्वत दे के और अपना काम निकाल लेते हो, सोचते हो ईश्वर को प्रेयर रूपी रिश्वत दे दूं, शायद मेरे कर्मों का कुछ खेल बख्शा जाए। ऐसा नहीं, सुमिरन क्या, सुमिरन माना आत्मबोध, और आत्मबोध से जो कल की प्रारब्ध है भी शरीर की, उसको हराया जा सकता है। हराने से मतलब होगा उसके प्रभाव को जीता जा सकता है। जो राइट एटीट्यूड है वो ये है, अब श्राप मिल गया परीक्षित को, शुकदेव मुनि कहीं भी नहीं कह रहे कि तेरे पास तक्षक नाग नहीं आएगा, कहीं भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं शरीर का हिसाब है, आठवें दिन मृत्यु आनी है तो आएगी। ये खेल बना हुआ था, उसको श्राप मिलना था क्योंकि उसके शरीर का मृत्यु तक्षक नाग से ही लिखा हुआ है। कहीं भी नहीं कह रहे शुकदेव मुनि मृत्यु आएगी नहीं, पर उपाय क्या कर रहे हैं, ऐसा तो सिमरन करा रहे हैं जो परीक्षित के अंदर से मृत्यु का भय चला जाए, वो समझे तो शरीर का मौत मेरा मौत नहीं है, ये समझ आ जाए। अर्जुन के अंदर का डर भगवान ने किससे निकाला, इसी सुमिरन से निकाला, जिसमें वो शरीर की मैं से ऊपर उठे और निश्चय करे आत्मा जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वो आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। ये श्योरिटी नहीं दी अर्जुन को कि तू नहीं मरेगा ये लोग मरेंगे, एक श्योरिटी दी कि आत्म निश्चय से तू अपने और अपने वालों की मृत्यु से बेखौफ हो सकता है, ये समझाया उसको। और जब कैच हो गई उसको ये बात, तो वो फ्री हो गया, छूट गया। बात तो हम ये समझें कि हम ज्ञान को राइट अप्रोच से ले रहे हैं। अब कितने लोग सोचते हैं ज्ञान हमें छुड़ाएगा, गीता में लिखा है बुढ़ापे से मृत्यु से रोगों से छूटना है तो मेरा ये तत्व ज्ञान ले,
लोगों ने गीता पढ़नी शुरू कर दी, पाठ करने शुरू कर दिए। नानियां दादियां देखी होंगी, उनकी किताबों की पोथी होती थी, उसमें एक गीता भी होती थी। वो गीता की रीडिंग रोज करते थे, चाहे एक पेज पढ़ें या एक अध्याय पढ़ें, उंगली लगा के ऐसे ऐसे। बहुत पढ़ना तो आता नहीं था, आधे शब्द समझ भी नहीं आते होंगे, पर उनके अंदर एक भ्रम बिठा दिया गया, बुढ़ापा, मृत्यु, दुख, इस सब से ये ज्ञान छुड़ाता है। ज्ञान का बोध छुड़ाएगा, ज्ञान का निश्चय छुड़ाएगा, ज्ञान की रीडिंग थोड़ी छुड़ाएगी। ज्ञान का बोध, कौन सा बोध? जो बोध भगवान ने अर्जुन को कराया, वो बोध कि तू, मैं और ये सब आत्मा ही हैं, ये बोध बचाने वाला था। अब जिनको हम लोगों ने आँखों से देखा, सालों गीता पढ़ते हुए, रोज नियम है, गीता तो पढ़नी पढ़नी है, पर जब उनके घर में कोई मृत्यु आई तो इतने विवल हो गए, भगवान को उल्टा उलाना दिया, मैं रोज तेरा पाठ करता हूँ, तूने मेरे घर में क्या किया? भगवान तो निश्चिंत था, ये गीता का ज्ञान समझ रहा है, ये तो शिकायत करेगा नहीं। लेकिन उसने तो एहसान ठोक दिया, रोज तेरा पाठ करता हूँ, मेरे घर तूने क्या कर दिया? बुढ़ापे से भी दुखी हुआ, मुँह से भी दुखी हुआ, बीमारी से भी दुखी हुआ, मृत्यु से भी परेशान हुआ, गीता रोज पढ़ता था। सुमिरन का अर्थ गलत हो गया। अब वही गीता पढ़ने वाला व्यक्ति हालात आने पर पुकारता है, हाँ वो एक अलग बात हो गई। अब उसका ईष्ट अलग हो गया, कृष्ण जी की गीता पढ़ी ना, इसीलिए कृष्ण जी को भी बुलाता है, राम जी को भी बुलाता है, क्योंकि उनकी रामायण का एक पेज भी पढ़ता है, सारे को बुला लिया। लेकिन ये सब आ भी जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते। अब वो शिकायत करें, इसमें तो लिखा है आप छुड़ाएंगे, वो कहते हैं मैं नहीं छुड़ाऊंगा, ज्ञान का बोध छुड़ाएगा। कृष्ण नहीं छुड़ाएगा अर्जुन को, आत्म ज्ञान का बोध अर्जुन को छुड़ाएगा, गुरु नहीं छुड़ाएगा किसी को। गुरु के ज्ञान के मनन से जो बोध उत्पन्न होगा वो छुड़ाएगा। फर्क तो ये है ना, विचार हमको ये चलना चाहिए कि अगर मैंने ज्ञान को समझा है, सुना है, निश्चय किया है, तो समय आने पर मुझे प्रार्थना की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ना, बल्कि मेरे को इन परिस्थितियों से चलाए मानी नहीं होना चाहिए। मेरा निश्चय मुझे तारने वाला हो, मेरा निश्चय मुझे जागृत रखने वाला हो, मेरा निश्चय मुझे होश साध के देने वाला हो, इस चीज की जरूरत है। अब जब सिमरन ये वाला है तो इसमें पुकारने का स्थान ही नहीं। पुकारा तब जाए जब हम अपने में सक्षम नहीं है। देखो रोगी आदमी होता है ना, पानी गिलास के लिए भी पुकारता है। सही सलामत व्यक्ति होता है, कई बार हम उठते हैं किसी काम के लिए, सब कहे आप क्यों उठे, बता देते हैं, हम ठीक ठाक हैं, हम उठ सकते हैं, कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। पुकारना कब पड़ता है? स्वयं में असमर्थता समझ आए तो पुकारना पड़ता है। जब होमे का रोग हो, असमर्थता है, किसी भी विकल्प से लड़ने में असमर्थता है, तो इंसान ईश्वर को पुकारने का सहारा लेता है। पर अगर
सामर्थ्य हो अपने विकल्प से लड़ने की। सामर्थ्य कहाँ से आती है? निश्चय से सामर्थ्य है। समर्थ पुरुष कौन? निश्चयवान समर्थ है। जहाँ निश्चय नहीं है वहाँ असमर्थता है। बहुत सीधी सी बात है। निश्चयवान समर्थ है, उसको पुकारने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं देर इज नो हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा, ये खेल ऐसे ही बना पड़ा है। लेट इट बी सो, पुकारने की जरूरत नहीं। पर जब स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं है तो पुकारना पड़ता है। फिर लगता है शायद पुकारने से गुजारा होगा, पुकारने से नहीं, निश्चय से। काल ये थोड़ी पूछता है तेरे पास क्या है, वो ये पूछता है तू कौन है। अब तू ब्रह्म स्वरूप है तो काल की तो मजाल नहीं तुझे हाथ लगाने की, पर तू ही जीव है, देह है, तो फिर स्वर्ग नरक सब है तेरे लिए। बात आ गई सिमरन का स्वरूप कैसा है। जिन लोगों ने स्मरण को सिमरण माना उनके पास पुकारना ही सहारा है, क्योंकि स्मरण को सिमरण माना है, याद करते आए भगवान को, तो उनके पास सहारा भी यही है। अब और कौन सा सहारा करेंगे वो? यही सहारा होगा भाई फिर हम भगवान को पुकारें, भगवान आ जाएं, यही सहारा है। लेकिन जिसका सिमरन, जिसमें मैं विसर्जित हुई है, जहां आत्मबोध है, जहां मालूम है भगवान अलग ही नहीं है। दादा भगवान को किसी ने संदेशा भेजा, दादा मैं बहुत बीमार हूँ, मैं आपको याद करता हूँ, आप आइए। जैसे डर भी आ जाता है, कभी मृत्यु नज़दीक लगती है, तो गुरु को पुकारा। दादाजी ने उसको चिट्ठी लिखी, बोला मैं किसको पुकारूंगा, तुम तो मुझे पुकार रहे हो, मैं किसको पुकारूंगा। और लिखा कि तुम कहोगे दादा आप किसको पुकारोगे, आप तो कहोगे मैं ही भगवान हूं। बोला बस तेरे को भी तो यह निश्चय दिया, मैं किस लिए आऊं। अब सोच के देखो, ऐसे टाइम पर कभी लगेगा गुरु इतना कैसे वो हो सकता है, कठोर कहना चाहिए, गुरु ऐसा कठोर कैसे हो सकता है कि हम मरने के बिस्तरे पे पड़े हैं, हम पुकार रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं किसको पुकारूंगा। पर दादा की रमज है बहुत बढ़िया कि अभी इस समय भी इसके ऊपर दया की, अगर चले गए फिर इसका मन मेरे ही शरीर में अपने को फिर नहीं जानेगा। बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें एतबार है कि दादा तो कहेगा मैं आप ही भगवान हूं, तो तू भी बोल मैं आप ही भगवान हूं, तू मुझे क्यों पुकारता है, मुझे भी क्यों बुलाना चाहता है, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में मुझे पुकारता क्यों है। निश्चय लिख के भेज कि दादा तुम्हारे इस आध्यात्मिक ज्ञान से मैं निष्ठा में हूं, निश्चय लिख के भेजना, तब मैं भले प्रेम पूर्वक मिलने चला हूं कि तू अपनी जोत जला के बैठा है, पर तुझे विकल्प है, डर है अब, क्योंकि तूने सारी जिंदगी गुरु को भगवान माना, तो अब तू कहता है चलो गुरु ही आ जाए। अब ये भ्रम फिर तोड़ा गुरु ने सबका। अक्सर गुरु लोग ही एतबार दे देते हैं कि जब तुम मरने लगोगे
मैं आऊँगा रथ लेके, तो मैं ले चलूँगा, विमान लेके आऊँगा, ऐसी ऐसी बातें कई गुरु लोग भी बता देते हैं। दादाजी ने उसको भी ख़त्म किया, बोला नहीं ऐसे नहीं, तुम अंत समय बैठ के इंतज़ार मत करना। एक ने भजन गाया था, अंत अच्छे मुखे मरण जो वेलो, छड़ जय नाम वो शाम अकेलो। दादाजी के पास भजन गाया कि जब मेरा अंतिम समय आए, दादा तुम मेरे को भूल मत जाना, मेरे पास आना। चमाट लगा दी दादा ने, बोला क्यों, आज अंग संग जान मैं उस समय क्यों आऊं, आज लेन देन कर ले मेरे से, आज निश्चय की जोत जला ले, उस समय आने का क्या मतलब, तो आज अंत करके क्यों नहीं बैठी हो अपना। गुरु मिला, तुम आज ही अपनी मैं का अंत कर दियो, तुम अपनी मैं का अंत ना करके और बोलते हो जब ये शरीर मरने लगे, गुरु तुम उस समय आना, दर्शन देना, मुझे भूल नहीं जाना। और गुरु बार बार कह रहा है यू आर दैट। फिर भ्रम आ गया, घूम फिर के इंसान को फिर भ्रम आ जाता है, बीमार हूं तो गुरु देखने आए, मरता हूं तो गुरु मिलने आए, तो भ्रम तो वही है रहा ना तुम्हारा, पुकारने वाला, पुकारने का स्टाइल चेंज हो गया, भगवान का पता मिल गया, नंबर मिल गया, फोन कर दिया, मैसेज भेज दिया, आप आओ मुझे मिल जाओ, पता नहीं मैं कितना चलूँगा कितना नहीं चलूँगा, होऊँगा नहीं होऊँगा, भ्रम क्यों है, तो मैं अपने प्रति भ्रम क्यों है, जागते क्यों नहीं हूँ। गुरु खुश नहीं होता है, कई बार हमारा मन सोचता है गुरु खुश होएगा कि अंत समय ये मुझे ही याद कर रहा है, गुरु कहता है नहीं मुझे भी याद मत कर, अपने को याद कर, तू ही खुद खुदा है, यू आर ऑलरेडी गॉड, मुझे याद करने से क्या होगा, मैं कोई अलग हूं क्या, सारी जिंदगी मैंने तुझे यही ज्ञान बताया है कि ना तू मुझसे जुदा ना मैं तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं। अभी तो सिचुएशंस ऐसी खड़ी हो गई, तुम्हें ये आसरा भी छोड़ देना चाहिए। हाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कोविड जैसी, तो गुरु तुम्हें देखने ही ना आ सके, हॉस्पिटल में कौन आने देगा, डेड बॉडी भी नहीं देखते हैं, देते हैं पैक करके लाते हैं जला देते हैं, ये आश्रय भी तोड़ देना चाहिए अपने आप ही, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। रोज जो इतना ज्ञान सुना है, अभी अपनी आत्मनिष्ठा में आ जाना चाहिए, बाहर की सब बातें छोड़ दियो। हाँ वो एक अलग बात है, जिंदगी में अगर ये गलती करते आए हो, अपने अहंकार में जीते आए हो, ज्ञान सुनने के बाद भी नम्रता नहीं की, भक्ति नहीं की, एक पार्ट अधूरा है तुम्हारे जीवन का, गुरु की रजामंदी नहीं जीती, अपने अभिमान में चले, लेन देन नहीं किया है, गुरु को सिर पे नहीं रखा है, तो भी तुम्हारा निश्चय अधूरा है। फिर भले अपनी भक्ति, अपनी प्रीति, अपनी भूलें, उनको जल्दी दुरुस्त करो, पर अगर तुम सही चले हो जीवन में, तो अब अपनी निष्ठा पे ध्यान दो, अपने आप को ज्ञान में परिपक्व करो, क्योंकि ये भी पक्की बात है जैसे सूखे आटे से रोटी नहीं बनती। जिसने जीवन में भक्ति प्रेम नहीं रखा, गुरु आज्ञा को सर्वोपरि नहीं रखा, सूखा आटा ज्ञान उसका कल्याण नहीं करेगा, वो कितना ही निश्चय की बात करे पर वो फर्जी सर्टिफिकेट, गुरु की स्टैंप नहीं है,
उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। पर अगर तुम चलते आ रहे हो सही, तो गुरु तुम्हें कहता है तुम्हारी भक्ति का भी परिणाम ऐसा निकलना चाहिए जैसे गोपियों की भक्ति का परिणाम निकला। सुनो योगी, इस तौर द्वैत में अद्वैत रहते हैं, अद्वैत निष्ठा जरूरी है, अपना निश्चय जरूरी है। गुरु को ये मत कहना आप मुझे आके ज्ञान याद कराना। एक बार किसी ने गुरु जी से बोला था, आप आना, आप आएंगे तो ज्ञान याद आ जाएगा, आप आके मुझे आत्मा याद दिलाना। भगवान ने बोला अगर हमें देरी हो गई, टेम्पो ना मिला, तो तू आज ही निश्चय करना। पता नहीं तेरे को होश ही ना हो, तू आईसीयू में हो, वेंटिलेटर लगा हो, तुझे होश ही ना हो, हम कैसे आत्मा याद दिलाएंगे, हम कैसे तुझे ज्ञान याद दिलाएंगे। बेकार की बात हो गई ये तो बेहतरी किसमें है? बोला भाई बेहतरी इसमें है कि तू आज निश्चय कर, इंतजार मत कर कि गुरु आएंगे मुझे ज्ञान याद दिलाएंगे। वो ना हम लोग उधर मंदिर में भी गाते थे, हे गोविंद जब ये प्राण तन से निकलें, वंशी वट्टो सांवरा निकटो। भगवान बोलते थे सब भ्रम, सब भ्रम है, वंशी वट वही है जहां आज तू अपने निश्चय में। अगर तेरे अंदर बार बार आत्मा का निश्चय गुंजारित होता है, तुझे हर श्वास में याद रहता है आई एम दैट, और तू दे भाव के अधीन नहीं होता है, वही वंशी वट है। सांवरा निकट है, सांवरा कौन? कृष्ण अपना स्वरूप क्या बता रहे हैं अर्जुन को? तो सांवरा निकट निश्चय रूप में ही हो सकता है। जब तक अलग जानेगा तब तक मूर्ता को ही प्राप्त है ना। अब कई लोग ज्ञान सुनते हैं द्वैत अद्वैत मिक्स किए ही रहते हैं, इधर अद्वैत का ज्ञान सुनेंगे, निश्चय का ज्ञान सुनेंगे, उधर फिर जाके मंदिरों में कीर्तनों में फिर द्वैत के भजन गाते हैं। भाई द्वैत अद्वैत मिक्स करोगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? उधर कह रहे हैं भगवान अलग है, पुकारो, आवाजें लगाओ, अखा मीच के समाधियां लाओ, वाजा मारो हारा वाले नु। और यहां पर यहां कहा जा रहा है कि भगवान अलग ही नहीं है, यहां कहा जा रहा है वही आत्मशक्ति जिसने कृष्ण का स्वरूप धारण किया, राम का स्वरूप धारण किया, नानक का स्वरूप धारण किया, उसी ने ये शरीर भी धारण किया। दोनों में फर्क है। यहां नाम मिटाने को कहा जा रहा है, वहां नेम एंड फेम लगी पड़ी है, मेरे को बुला रहे हैं, मेरे भजन पसंद करते हैं, मेरे को ही कह रहे हैं तू आके कीर्तन कर हमारे घर में, वहां नेम एंड फेम लगी पड़ी है, भाग रहे हैं उसके पीछे। यहां कह रहे हैं नाम मिटाओ, यहां कह रहे हैं आपा गवाओ। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है सिमरन कराने का तो ये दायरा बनाओ, अद्वैत का सिमरन कराओ सबको, जो खुद को भी पक्का हो। अब ये डबल डबल उभय भ्रष्ट होने वाली स्थिति हो गई, ये तो मनन किस चीज का करोगे, मनन किस चीज का करोगे। तभी दादाजी के समय से ये भजन ही हम लोगों के दूसरे हैं। बिल्कुल गुरुजी बताते होते थे कि कोई गुरु महिमा का भजन गाता था आके, दादा बहुत जोश करते थे, बोला खाली गुरु महिमा का भजन, इसमें स्वरूप की बात तो आई नहीं तुम्हारे। जो गुरु महिमा के भजन है देखो उसमें भी स्वरूप की बात है, चाहे वो भजन है मेरा सतगुरु प्यारा मीत है, उसमें फिर लास्ट में क्या आ गया, मैं सतगुरु दी सतगुरु मेरे,
दोनों एक स्वरूप हैं, जल थल व्यापक पूर्ण सारे स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, और मेरा वेद भी गांधे गीत हैं। फिर दादा खुश होते थे, हाँ तुमने अपने स्वरूप की बात किया। भजन भी कहते थे ऐसा गाओ जो तुम्हें अंतर्मुख करे, जो तुम्हारी ज्ञान की स्थिति पक्की करे, जो तुम्हें आत्म निश्चय में लेके आए। ऐसे नहीं कि द्वैत के भजन गाओ, भजन द्वैत के दादाजी ने बंद करा दिए, सबको भजन ही नहीं गाने देते थे। बोले द्वैत के भजन मत गाओ, अद्वैत के भजन गाओ, निश्चय की बात करो, पूरा समय अपनी स्थिति ज्ञान में पक्की करो, बाकी सब बातों को एक तरफ करो। तो ये भी जो द्वैत अद्वैत मिक्स करके चलते हैं वो भी निश्चय में नहीं है, कभी उनको श्राद्ध करने हैं, कभी उनको पाठ करने हैं, कभी उनको व्रत रखने हैं। तो इसका मतलब तो ज्ञानी नहीं समझ में आया ना। तो जब सिमरन ही सच्चा नहीं है किसी का तो क्या करेगा वो। और लोग बड़े खुश यूं भी होते हैं, फलाने ने ना मरते समय ओम कहा, राम कहा, लेकिन भगवान कहते थे इससे भी क्या, उसने अपने को राम फील किया। बोलने में तो जबान सारी जिंदगी माहिर रही है, उस समय भी बोल दिया हरिओम बोल दिया, बड़ी बात नहीं। अब मुर्दा पड़ा रहता है, लोग उसके सिराने बैठ के, या कोई जाने वाला होता है तो 18वां अध्याय पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब 18वां अध्याय गीता का तो पूरी गीता का सार है। जिसने आजीवन गीता पे निश्चय नहीं किया, अब 18वां अध्याय क्या समझ आएगा। समरी है पूरी गीता की, तीन 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 चीज़ें बता दी भाई। पूरी जिंदगी पूरी साल हम किताब पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, हाँ पेपर वाले दिन सवेरे नोट्स पढ़ लिए तो सारा रिवाइज हो जाता था। अब 18वां अध्याय तो रिवीजन है सॉर्ट ऑफ, अर्जुन कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो भगवान को लगा पूछूं मेरा ज्ञान समझ भी आया है। शॉर्ट में सारा 18वां अध्याय में पूरी समरी रिपीट की थी, पर पहले गीता समझी होगी तो 18वां अध्याय कोई काम आएगा, समरी समझी नहीं हुई 18वां अध्याय क्या करेगा। उस समय जोत जला के रख दी, जिसने स्वयं को ज्योति स्वरूप अनुभव ही नहीं किया, वो जोत जल भी रही है तो क्या कर लेगी। नहीं है ना विचार, सिर्फ कर्म है बाहर का, बाहरी कर्म, बाहरी कर्म किया मन खुश हो गया। और ये भी देखना भगवान को दूजा जान के, अलग जान के, बाहर जान के मन को मजा आता है, निश्चय नहीं करता उसको मजा आता है। भगवान अलग है, तू तू ही रहे, मैं ही रहूं, और उसमें भी फिर मैं पापी तू बख्शनहार, मैं गलती करता रहूंगा, भूले मेरी तुम भुलाए रखना, सब सेफ साइड्स ले ली हमने। अब पुकारने में बड़े रहस्य होते हैं, अपने कर्म याद आ रहे होते हैं अंत समय, कोई दुख आता है तो भी अंदर वाला कहता है देख तूने ऐसा किया, तेरे आगे ऐसा आया। पुकारने में माफियां भी लेनी होती हैं, पुकारने में रक्षा भी चाहिए होती है, पुकारने में जीने की इच्छा भी होती है, पुकारने में तो बड़ा कुछ है इंसान के, इसलिए पुकारता फिर रहा। तभी कहता है हरी आ जाओ हरी आ जाओ, हरी कहाँ रहता है जो आ जाए, मेरा छोटा सा संसार हरी आ जाओ एक बार। संसार में हरी का कोई काम ही नहीं है, हरी क्यों आने लगा संसार में, संसार तूने बनाया तू भुगत, हरी ने तो बनाया नहीं। हरी तो अपनी लीला खेलने के लिए
प्रकट हुआ था अनेक रूपों में, पर वो आज भी एक ही है। दोष तेरी उल्टी बुद्धि का पड़ता है भगवान के पीछे, तो पुकारने से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला पुकारने से, फायदा कोई होगा नहीं, कोई चेंज अब होने वाला नहीं है। तो सिमरन सच्चा हुआ जैसे परीक्षित ने किया। ये जो दावा था ना चंडाल की झोपड़ी का, ये छोड़ा, ये सच्चा सिमरन हुआ जिसने निर्भय बनाया। पीछे तो उसने दूध के कटोरे भर भर के पूरे रास्ते में लगा दिए, महल के बाहर रास्ता था महल में आने का, दूध के कटोरे लगवा दिए वेलकम करने के लिए कि अगर तक्षक नाग आए भले ही वो दूध भी पिए। फिर वो कुदरत परमात्मा की कि अगर सर्प को देखा जाता, पहरेदार खड़े थे और खड़े थे, कोई मार देता तो तक्षक नाग फूल का कीड़ा बन के आया, फूल राजा को दिए गए और एकदम तक्षक नाग ने डंक लगाया, उसको मृत्यु हुई। पर तक्षक नाग भी हैरान हुआ था कि मेरे लिए दूध के कटोरे सजाए, मतलब मृत्यु का स्वागत तो कोई नहीं करता है ना ऐसा, पर इतना वो अलग हो गया जो इतना बड़ा स्टेप भी उठा पाया, ये समझने जैसी बात। हर एक अपने निश्चय को परिपक्व करे, पुकारने की आवश्यकता नहीं, पुकारा तब जाए जब कुछ अलग हो। और जिनको भगवान समझ के पुकार भी रहे हो, वो तो एक समय रूप उन्होंने भी ऐसे वाले ही धारण किए थे जैसे हम, तुम ये रूप धारण किया था। अब जैसे गुरु को हम लोग भगवान बोलते हैं, अब आने वाले कुछ समय में बहुत ख्याति फैल जाए गुरु लोगों की, हो सकता है लोग मंदिर बना के बैठ जाएं, कहीं उन्होंने अभी भी किया होगा, मंदिर से बना दिए, उसमें फोटो रख ली, दिया जलाने लगे, कोई धूप बत्ती करने लगा, कहानी तो ऐसे बदल जाती है। जबकि आते वो हमारे जैसे हैं, लेकिन अपने को पहचान के जान के अपना काम उतारते हैं और सबको पहचान देते हैं। तो लोगों को आदत तो पड़ी है, एक भगवान चाहिए होता है, इसीलिए देखो हर युग में भगवान बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि सबको एक आश्रय चाहिए होता है। और ये भी अनुभव की बात है कि तुम्हारा विश्वास ही करामात बनता है। अवतारी पुरुष कभी नहीं कहते मैंने कुछ किया, लोग अनुभव बताते हैं, आपको याद किया ये हो गया, आपको कहा ये हो गया, आपसे प्रार्थना की मेरा काम हो गया, सरासर झूठ है, होना था इसलिए हुआ, तेरा विश्वास तुझे करामत दिखा रहा है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन इंसान को एक आश्रय चाहिए होता है, निराधार होके चलना उसको आता नहीं, कहता है चलो एक आधार ढूंढ लेता हूं, गुरु को आधार बना लिया। कृष्ण को नहीं पुकारेगा, गुरु को पुकार लेगा, राम को नहीं पुकारेगा, गुरु को पुकार लेगा, आश्रय चाहिए उसको। बिलनी बन के राम ढूंढेगा जिसको बेर खिलाऊं, और राम कृष्ण परमहंस जो भोग प्रसाद लेके बैठे थे मंदिर में, खुद ही खा लिया। जो हार देवी माँ को पहनाना था अपने गले में ही डाल लिया, आ गए अपने निश्चय में।
आप ढूंढते रहते हो, कभी सोचते हो मैं सुदामा, कभी सोचते हो मैं बिलनी, ये सब पात्र बनने में मजा आ रहा है, पार्ट करने में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, साइड रोल्स चाहते हो। गुरु कह रहा है मेन रोल ही तेरा है, कृष्ण भी तू बना, अर्जुन भी तू बना। खुद कृष्ण के अपने मन अर्जुन को उपदेश दे के, बोध दे के अपना कल्याण कर। अपनी विभूति तो भूल जाते हो, अर्जुन अज्ञानी, अर्जुन मन है तुम्हारा, तुम खुद को अर्जुन मान लेते हो मन से मिक्स होके, मैं अर्जुन, अब एक कृष्ण चाहिए। गुरु मिल गया, गुरु तुम कृष्ण हो गए, मैं अर्जुन हो गया, एक अचंभा सुन मेरी माई, गुरु लागो चेले की पाई। तुम गुरु आत्मा मन चेला, इसके पैर पड़ गए, इसके साथ मिक्स हो गए, काम खराब किया। कृष्ण भी भीतर, अर्जुन भी भीतर, संत समाधान होते हैं, संत समस्या नहीं होते। पहले इतनी समस्या जगत जंजाल की खड़ी की हुई है, कुछ 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 बने हुए संतों के पास फिर एक नया संसार खड़ा कर लिया, मैं शिष्य है तुम गुरु। पहले तो इन झमेलों से फंसे पड़े हो, संत समस्या होता है कोई कि तुम्हें एक नई समस्या खड़ी करके देगा, फिर देव उपाधि बना दे तुम्हारी, फिर तुम नए सिरे से नए परपंच में फंस जाओ, फिर तुम यहां एक संसार बना लो। संत तो समाधान का नाम है, और बड़ा प्यारा समाधान संत यही देते हैं, जो दे तू अपने को माने बैठे ये तू है नहीं, तू ही ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए गुरु शिष्य की परंपरा ही नहीं है। गुरु ने जो ज्ञान दिया ये संबंध बना के नहीं दिया कि मैं गुरु तू शिष्य, पहले ही दिन से बोला मोही तोही मोही, अंतर कैसा भाई, अंतर ही नहीं है, ये है समाधान। वरना तो संतों ने भी एक नई समस्या खड़ी कर दी ना, एक नई बात हो गई, कोई चिन्ह धारण करो, नाम लो, माला जपो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, एक नई समस्या खड़ी हो गई। वही बात है, रात को डर लगता है भूत से, ताबीज बांध दिया, अब डरना ताबीज खुल ना जाए, एक डर से दूसरा डर, क्या फायदा हुआ, डर बदल गया, डर का रूप बदल गया, डर का केंद्र बदल गया, डर तो नहीं बदला ना। तो संत तो समाधान का नाम है, समस्या का नाम थोड़ी है। पहले जगत में समस्या पैदा होते ही लोगों ने बना दिया, तू बेटी मैं तेरा माता पिता, तू बेटा मैं तेरा माता पिता। आगे चले तो टीचर ने बोला मैं टीचर तुम स्टूडेंट, और आगे चले दोस्तों ने बोला तू हमारा फ्रेंड, और आगे चले तू पत्नी मैं पति, तुम बहू हम सास ससुर, और आगे चले तू मम्मी मैं पापा मैं तेरा बेटा। सारी तो समस्या की जड़ थी बनना बनाना, फिर मिल गए बीच में गुरु लोग, फिर वहां एक नया संसार खड़ा हो गया। उन्होंने कहा तू शिष्य मैं गुरु, चल जैसे चाकरी करी घर वालों की अब कर मेरी, नई समस्या खड़ी हो गई। और शुकदेव जैसे मिल जाएं, 8 दिन में समाधान, इजी समाधान, बनना बनाना खत्म हो गया, अरे यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर दैट, समाधान हो गया 1 मिनट में। अब पल्ले पड़ जाए अगर, कौन पुकारे किसको पुकारे, कहाँ अलग है कोई जिसको पुकारा जाए, और पुकारने के लिए कारण ही कोई नहीं। जब आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं देख रहे,
आपकी इच्छा अंदर की चली गई सारी, अब पुकारने की नीड है। बड़ी बात तो आप ये समझो, ज्ञान का निश्चय होने से पुकारने की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। और कौन पुकारे, किसको पुकारे, ये भी बात है। तो दादाजी का जो एटीट्यूड है उसको कैच करो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सबसे प्यारा समाधान है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नहीं लग रही तो सुलझाने के लिए किसको बुलाना है, और मेरे सिवाय कोई बना नहीं तो कौन आएगा सुलझाने। तो ये चैप्टर ही खत्म होता है पुकारने वाला, अगर ज्ञान का निश्चय हो जाए।